आज बिना किसी देर के मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी रेसिपी को, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी बनी है कच्चे केले से, लेकिन ये खाने में इतनी टेस्टी है कि इसके आगे पनीर की ग्रेवी वाली सब्जियों भी फेल हो जाएंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि इसे टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें बहुत सारा तेल या घी डाला हो। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और रेसिपी से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 कच्चे केले। वज़न में ये 300 ग्राम है। तो सारे केलों को मैंने अच्छे से धो लिया था और अब मैं इन्हें छीलने वाली हूँ। यहाँ पर मैं केलों को छील रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें बिना छीले भी बना सकते हैं, सिर्फ इनका हल्का सा ऊपर से पार्ट हटा दीजिए ग्रीन वाला, और इनको आप बहुत ज़्यादा बिना मोटे छिलका उतारे भी काट सकते हैं। और इसी तरह से हमें बाकी के केलों को भी छील लेना है। तो यहाँ पर केला छीलने के बाद में अब बारी आती है इसे काटने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसके स्लाइसेस काट रही हूँ। इन्हें ना तो हमें बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा पतला रखना है। यहाँ पर एक केले के मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं और एक पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि इसकी जो थिकनेस है वो इतनी है। और अब बारी आती है इन्हें सेकने की। एक नॉनस्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सरसों का तेल, और सरसों के तेल को हमें स्मोक पॉइंट तक पकाना है। उसके बाद में इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ केले के स्लाइसेस जो कि अभी हमने काट कर तैयार किए थे। और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें, और मीडियम फ्लेम पर हम इन सारे स्लाइसेस को दोनों तरफ से बहुत ही लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे केले के स्लाइसेस हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और इस पॉइंट पर अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। और जितना तेल हमारा पैन में बचेगा उसमें हम बाकी की अपनी सब्जी बनाने वाले हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी से कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं तो आई एम श्योर कि जिन लोगों को केले की सब्जी पसंद नहीं है वो भी इस सब्जी को बहुत मन से खाने वाले हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सारे केले के स्लाइसेस को मैंने पैन से बाहर निकाल लिया है। और केले को सेकने के बाद में बारी आती है हमारा मसाला बनाने की। तो यहाँ पर बचे हुए तेल में मैंने ऐड कर दिए हैं 2 तेज़पत्ता, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और मसाले के भून जाने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ लहसुन। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून क्रश्ड लहसुन। अगर आप चाहें तो गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं। तो लहसुन डालने के बाद में हम इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे, और बहुत ज़्यादा देर तक हमें लहसुन को नहीं भूनना है। और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने आधा कप बारीक कटी हुई प्याज का यूज़ किया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। दोनों ही चीज़ों की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों की क्वांटिटी ली है लगभग 1 टेबलस्पून। अदरक और हरी मिर्च को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सूखे मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अभी गैस की फ्लेम को लो पर कर दें, और लो फ्लेम पर हम थोड़ी सी देर को इन मसालों को भूनेंगे। और मसालों के भून जाने के बाद में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आधा कप टमाटो प्योरे। यहाँ पर मैं फ्रेश टमाटो प्योरे का यूज़ कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दें, और मीडियम फ्लेम पर हम टमाटर को अच्छे से ड्राई हो जाने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप फ्रेश मलाई। आप चाहें तो मलाई की जगह पर क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मलाई डालने के बाद में एक बार हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सब्जी को और ज़्यादा रिच बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बारीक कद्दूकस किया हुआ पनीर। आप चाहें तो पनीर को स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने पनीर इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करें। और अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का पाउडर। मेथी को हमें हथेलियों के बीच में क्रश करके इसके अंदर ऐड करना है। बीच बीच में सारी चीज़ों को स्टर करते रहें ताकि वो तले में ना चिपकें। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दूध। यहाँ पर मैं 1 कप दूध ऐड करने वाली हूँ। पहले मैं आधा कप दूध ऐड करूंगी, और उसके बाद में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उतना दूध इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
दूध ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्स करें और गैस की फ्लेम को हाई पर कर दें। आपको जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध की जगह पर थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने आधा कप दूध इसके अंदर ऐड नहीं किया है और नमक ऐड करना मैं इसमें भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। और नमक अच्छे से मिलाने के बाद में अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ केले के स्लाइसेस, जिन्हें कि हमने सेक के रखा हुआ है। और स्लाइसेस ऐड करने के बाद में हम लो फ्लेम पर इसे लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी थिक लग रही थी। तो आप चाहें तो इस सब्जी को पैन में पका सकते हैं या फिर आप इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर एक विसिल आने तक भी प्रेशर कुक कर सकते हैं। और जिस समय भी मुझे जल्दी होती है तो मैं इस सब्जी को प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, और वो बात और है कि मुझे ज़्यादातर समय जल्दी ही रहती है। तो यहाँ पर बहरहाल सब्जी मैंने पैन में बनाई है और ये बनकर एकदम तैयार है। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। पनीर की सब्जी तो हम अक्सर खाते रहते हैं, इस तरह की आप केले की सब्जी ज़रूर बनाएं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इस पॉइंट पर इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर या फिर एक हरी इलायची को कूट कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे भी इस सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। मैंने भी इसके अंदर इलायची ऐड की थी लेकिन वो पार्ट मेरा शूट होने से रह गया था। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये लीजिए हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। तो आज की इस कच्चे केले की बढ़िया सी एकदम ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।